बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज्जत में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। दिस इज़ मी सोबिया फैसल, आपकी होस्ट एज यूजुअल। रिवायतों की लज्जत एक ऐसा शो है जहां हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं वो रिवायती रेसिपीज़ जो आपके किचन की जान बनती हैं, जो आपके डाइनिंग टेबल की रौनक बनती हैं, वो रेसिपीज़ जो किसी रेस्टोरेंट की जान होती है, किसी मखसूस जगह पर मिलती है और अगर हमें उसको खाने का दिल करता है तो हमें उस रेस्टोरेंट तक जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसी रेसिपी को अपने घर में ट्राई करना चाहते हैं तो हम वही रेसिपीज़ आपके लिए अपने इस किचन में, अपने इस शो में लेकर आते हैं ताकि वही रेस्टोरेंट वाला जायका आपको अपने घर में मिल सके और उसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। इन्हीं छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातों के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। जैसे ही मैं स्टूडियो में एंटर हुई तो इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया कि आज क्या बनने वाला है। सुनने में, देखने में तो बहुत मज़े की रेसिपी होती है और खाने में भी आई एम श्योर अच्छी ही होगी। मज़ीद इस बारे में जानते मैंने तो अंदाज़ा लगा दिया है, मैं कुछ कुछ समझ भी गई हूँ और हमारे जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, वो भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर हम अपने शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि हम रिवील नहीं करेंगे, मज़ीद डिटेल जो है वो हमारी आज की शेफ से लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना शम्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ, कराची से ही है? नहीं, हमारा पंजाब से ताल्लुक है। ठीक है, अब आप कराची में रहते हैं और वैसे आपका ताल्लुक पंजाब से है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं तहमीना जी, आज हमारे किचन में आप क्या बनाकर खिलाएंगी हमें? आज मैं आपके किचन में खड़ी हूँ, आज को हनी विंग्स बना के दिखाऊंगी। ठीक है, चिकन हनी विंग्स आप बनाएंगी? चिकन हनी विंग्स बनाएंगे। हमारे किचन में वैसे देखा जाए तो आप पंजाब से है और खाना जो है, आपने ये डिश क्यों चूज की कि आज यही बनाएंगे हम किचन में? ये डिश इस वजह से चूज की है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को बहुत ही पसंद है, इस वजह से हमने चूज की है कि हर 10 दिन के बाद हमारे घर ये डिश बनती है। तो क्या बच्चों की फरमाइश आती है, अपने मियाँ की फरमाइश आती है, चलें हनी विंग्स बना लेते हैं। चलें ठीक है, तो फिर आज हमारे किचन में, हमारे स्टूडियो में भी हनी विंग्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हनी विंग्स लेंगे 1 केजी। ओके, चिकन विंग्स लेंगे? चिकन विंग्स लेंगे। 1 केजी लिया आपने? 1 केजी लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैरिनेट करना है आपने? जी, मैरिनेट करना है। ठीक है, तो मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलें शुरू करते हैं। स्पून वहाँ पर है, ये टेबल स्पून ले लेते हैं, 1 टीस्पून ले लेते हैं। ठीक है, 1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून है। ठीक है, 1 टेबल स्पून है। तो अब बताएं चिकन मैं आपके करीब कर दूं? अच्छा, मैं खुद कर लेती हूं। अब क्या क्या ऐड करेंगी ये बताएं मुझे वन बाय वन। चले, सबसे पहले हम डाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये कितना डालेंगे? ये 1 टेबल स्पून डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। डाल दिया है। अब इसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स। ठीक है, ये 1 टीस्पून। ठीक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। कुटी हुई लाल मिर्च। इस ये कितना डालेंगे? 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। अच्छा, 1 टीस्पून डाल देंगे ब्लैक पेपर, लेवल करके डालेंगे। काली मिर्च पाउडर है हमारे पास, उसको भी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें। ये जीरा पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून डालेंगे लेवल करके। ठीक है, जीरा पाउडर है? जी, जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर है हमारे पास, ये भी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड। अब इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक हस्बे जायका। हाँ, हस्बे जायका डाल दें, 1/2 टीस्पून डाल दें इसके अंदर। 1/2 टीस्पून बहुत होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं उसको अपनी मर्जी से। अब इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। ठीक है, अब इसके अंदर डालेंगे जीरा साबुत। जीरा पाउडर भी हमने यूज किया है और साबुत जीरा साबुत भी। जीरा भी, ये भी 1 टीस्पून। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये ठंडा होता है। अच्छा, अब गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे सिरका। सिरका, ओके। सिरका हम इसलिए यूज़ करेंगे कि चिकन की स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाए।
अब इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। या कोई और वजह भी होती है? नहीं, इसकी स्मेल खत्म करने के लिए होता है, टेस्ट भी इसका अच्छा आ जाता है ना। टेस्ट भी अच्छा आ जाता, अच्छा है, आ जाता है। तो ये आपने 2 टेबलस्पून डाल दिए। 2 टेबलस्पून डाल दिए। मैं आपको एक प्लेट दे दूं। ठीक है, अब क्या? अंडा। अब इसके बाद डालेंगे अंडा। ठीक है, अंडा लिया है हमने, एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, और अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। स्पून चाहिए आपको? स्पून ले लेते हैं। ठीक है, चमचे से कर लेंगे? हाँ, चमचे से भी कर लेंगे। ठीक है, मसला नहीं है। तो ये चिकन हनी विंग्स बन रहे हैं आज रिवायतों की लज्जत के किचन में। आपने देखा कि इसमें हमने क्या क्या स्पाइसेस ऐड किए हैं। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी मुझे तो लग रही है। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो सोचे बनने के बाद तो अब इसमें डालेंगे, अच्छा टेस्ट होगा। अब क्या ऐड कर रहे हैं? अब इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर, ये 2 टेबलस्पून डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। अब इसके बाद डालेंगे मैदा। मैदा 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। अच्छा, ये जो मैदा और कॉर्नफ्लावर है, ये हमने क्यों इसमें ऐड किया है? ये इसमें इसलिए ऐड किया है कि इसमें एक तो क्रिस्पी करेगा इसे, और दूसरा इसकी सॉस जब बनाएंगे, ये सॉस बनाने में भी हेल्प करेगा। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर शाइनिंग आएगी। ठीक है, और आई थिंक अंडा थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, तो ये हम इसमें डालेंगे तो अच्छे से अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। कोटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये आपने वैसे सीखी कहाँ से पहली बार? ये मैंने ऐसे ही रेसिपी देखी थी चैनल पे, तो मैंने इसको दोबारा रिपीट किया है। अच्छा, तो मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई है। ठीक है, तो आप आज चेक करके देखना ये कैसी बनी है। ठीक है, बिल्कुल, देखिए मैरिनेट हो गया है। चलें जी, इसकी मिक्सिंग हो रही है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसमें? अब इसे एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें, रेस्ट दें इसको। हाँ। अब मैं तो रेस्ट नहीं दूंगी, मैं तो अभी बनाने वाली हूँ। आप अपने घर में इसे बना के रख दें। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में नहीं रखना, आधा या एक घंटा रख सकते हैं। आधा एक घंटा, तो चूंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम इसको इतना ज्यादा मैरिनेट नहीं करेंगे, लेकिन उसको फिर भी 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि चिकन में थोड़ा सा फ्लेवर हो जाए, फ्लेवर आ जाए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाजरीन, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज्जत में आज बन रहा है चिकन हनी विंग्स। जी तैमीना जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने मैरिनेट किया था चिकन को, हो गया है मैरिनेट कंप्लीट? हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम डीप फ्राई करने जा रहे हैं। डीप फ्राई करने जा रहे हैं, तो ठीक है, आप आ जाएं फिर स्टोव की तरफ। चलें जी, सबसे पहले स्टोव जला लेते हैं। ठीक है, अब मैंने एक पैन ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालेंगे हम, क्योंकि हमको इसको डीप फ्राई करना है, तो ऑयल थोड़ा ज्यादा लेंगे। ऑयल थोड़ा ज्यादा, तकरीबन आधा लीटर इसमें ऑयल जाएगा। आधा लीटर ऑयल जाएगा। अच्छा, डीप फ्राई करने के बाद जो है ऑयल अगर बच जाता है, तो उसको हम क्या किसी और चीज में यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना, वेस्ट करने से अच्छा है। ज्यादा बार नहीं करेंगे आप इसे, 1 से 2 दफा कर सकते हैं। ज्यादा बार करने से क्या होता है? सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता ये, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और बार बार कहते हैं ऑयल को गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, तो ये मैं आपको दे देती हूँ, ये ले लें आप। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और आपको कोई चमचा चाहिए तो वो वहाँ से ले लें आप। चिमटा मिले ना मुझे, दे दूं मैं आपको? हाँ, चिमटा मुझे चाहिए। ठीक है, विंग्स निकालने के लिए मैं प्लेट दे देती हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, ताकि आप इसमें आसानी से निकाल सकें। भाई, कुकिंग एक्सपर्ट्स होने का यही फायदा होता है कि चमचा नहीं चिमटा चाहिए। सबका अपना अपना तरीका होता है, क्या होता है ना, क्योंकि हम ऑयल चिमटे से हम वेट कर रहे हैं ऑयल गर्म हो जाए, जैसे ही अंदर फिर हनी विंग्स डाल देंगे फ्राई होने के लिए। मुझे एक बात बताएं, घर में सबसे ज्यादा ये डिश किसको पसंद है?
ये सबसे ज्यादा मेरे बेटे को पसंद है। ठीक है, ये तो बार बार कहता है मामा हर दूसरे तीसरे दिन मामा हनी विंग्स बनाए। ठीक है, वैसे कहा जाता है ना कि इस तरह की चीजें जो होती हैं वो ज्यादा आजकल के जो लोग हैं बच्चे हैं या जनरेशन है उनको इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती है। ठीक है, और आपके हस्बैंड के बारे में मुझे कुछ बताएं, वो आपकी क्या कुकिंग की तारीफ करते हैं या कहते नहीं? बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, माशाल्लाह वो खाने के शौकीन है। तो उनकी तरफ से क्या फरमाइश आती है? जो पका हुआ हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी उन्होंने नहीं कहा, जो भी मैं पका के रखती हूँ वो बहुत ही तारीफ करते हैं। खा लेते हैं, तारीफ करते हैं। वाला अंदर जाता है तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा बनाया ये। तो बहुत मुश्किल से ऐसे हस्बैंड्स मिलते हैं कि जो खाने की तारीफ करते हैं, वरना कहते हैं कि रोजाना वही उसी हाथ का खाना खाना है तो तारीफ होती नहीं है। वैसे हर वक्त तारीफ करते हैं, वो जब भी एक नवाला लेते हैं तभी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा बनाया, बहुत मजे का बनाया। ज्यादा शौक से क्या खाते हैं वो? ज्यादा शौक से बिरयानी खाते हैं। बिरयानी कैसी बनाती हैं आप? बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो बिरयानी आपके घर में चिकन की बनती है, बीफ की बनती है? चिकन की बनती है, बीफ की भी बनती है, मटन की भी बनती है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम बातें करते शुरू हो गए। हाँ, अब इसके अंदर डाल देंगे हनी विंग। हम बातें करना शुरू हो गए हैं, साथ साथ खाना भी तो बनाएंगे ना, क्योंकि हमारे नाज़रीन को दिखाना है कि इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी होगी। अब एक एक करके सारे में इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। कितने विंग्स डालने? इसमें आधे डालेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं, आधे डाल देंगे, पाँच से छह फ्राई करने हैं ना। ठीक है, पाँच से छह सही है। ठीक है, अब इसको फ्राई होने देते हैं। इसके अलावा और क्या अच्छा बना? ज्यादा छेड़ना नहीं है, इसकी कोटिंग उतर जाएगी जब आप ज्यादा छेड़ेंगे इसको। अब एक तरफ से फ्राई होंगे, अब दूसरी तरफ से इनको पलट देंगे। ओके, तो देखिए नाज़रीन, ये भी एक टिप है कि इसको ऑयल में डालने के बाद बार बार इसको आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे वरना इसकी कोटिंग हट जाएगी। जब एक तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद हम उसको पलट देंगे। ये आस्ता आस्ता फ्राई हो रहे। और बेटियां खाना घर में बनाती हैं या? नहीं, बेटियां बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। तो वो भी आपसे सीखा है उन्होंने? उन्होंने भी मुझसे सीखा है। आपसे ही सीखा है खाना बनाना, तो वो खाना जब बनाती हैं तो अच्छा बनता है या आपके खाने की ज्यादा तारीफ होती है बेटे? और ज्यादा तारीफ तो मेरी ही होती है क्योंकि मैं बड़ी हूँ ना। हाँ, बच्चियाँ छोटी हैं। छोटी हैं तो वो कभी कभार बनाती हैं, उसके पापा भी बोलते हैं तो बहुत ही तारीफ करते हैं। अपनी बेटियों की तो तारीफ करनी चाहिए ना? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कभी कभार जब चीजें ठीक नहीं बन पाती तो फिर आप उनको सिखाती होंगी? सिखाती हूँ। चिकन को कितना टाइम है? चिकन को एक तरफ से मैंने दूसरी तरफ पलट दिया है। ठीक है, फ्राई हो रही है तो ये चिकन गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई हो रही है जब तक हम ब्रेक ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो चिकन हनी विंग्स यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन फ्राई हम इसको करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत मजे की रेसिपी बन रही है रिवायतों की लज्जत के किचन में। आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिवायतों की लज्जत में आज तहमीना जी हमें बता रही हैं कि चिकन हनी विंग्स आप अपने घर में कैसे बना सकते हैं वही रेस्टोरेंट वाले जायके के साथ। जी तहमीना जी, तो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने चिकन को फ्राई करने के लिए रखा था, अब चिकन कुक हो गई है, कुछ चिकन बाकी अब बाकी है लगी हूं, इसको मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद हम सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाते हैं? सॉस पैन ले लिया है। ठीक है, रख दिया। अब इसके इंग्रेडिएंट बताते हैं आपको। ठीक है, अब मैं अपने पास ले लेती हूँ सारी चीजें। ठीक है, स्टोव ऑन कर दूं मैं आपको? ऑन कर दूं। ठीक है, तो ये हनी विंग्स जो हमने चिकन मैरिनेट की थी वो फ्राई कर लिए हैं, डीप फ्राई कर लिया है। इसके अलावा जो है अब सॉस बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसकी सॉस कैसे तैयार होगी। आप सॉस की तैयारी कर लें, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। आप मुझे चाहिए, आप क्या चाहिए? टेबलस्पून मुझे चाहिए। टेबलस्पून चाहिए? टेबलस्पून चाहिए मुझे। ठीक है, ये ले लें, ये मैं देख लेती हूँ। आप सॉस बनाएं, थोड़ा सा काम मैं कर देती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया इन पर, बहुत ज़बरदस्त।
गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है चिकन का, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, सॉस सॉस के लिए हम 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है हमने। सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस कितना ऐड करेंगे? 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसके बाद डालेंगे चिली सॉस 2 से 3 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस भी ऐड करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे केचप। केचप ओके, 3 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर। 3 टेबल स्पून केचप, ये नॉर्मल केचप है वही जो हम घर में यूज करते हैं जी। साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, सफाई का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, घर का खाना इसीलिए ज्यादा मजे का होता है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसको। क्या डाला है हमने? वाइट सिरका। ओके, वाइट सिरका। अब इसके अंदर डालेंगे लेमन जूस, ये कितना है? 2 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका ऐड किया है और 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस ठीक है, लीमू है उसको निचोड़ के उसका जूस निकालेंगे और वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून हनी। हनी, हनी विंग्स नाम सुनते ही पता चल रहा था कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसमें हनी ऐड होगा, ये इसकी मिठास और जो है ना आप मिर्ची मसाले हम डालें उसके सारे बैलेंस हो जाएंगे। तो ये हनी से मीठा टेस्ट नहीं आ जाएगा इसमें? इससे नहीं आएगा, मीठा तो खट्टा मीठा तो आएगा, खट्टा मीठा सा आएगा। ठीक है, तो वो लोग जिनको बहुत ज्यादा खानों में मीठा नहीं पसंद होता तो फिर वो हनी को कम कर सकते हैं। हनी को कम करते कर सकते हैं बिल्कुल। कितनी देर लगेगी अब इसको? ये 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। ठीक है, 2 से 3 मिनट जा रहे हैं। ठीक है, इसको तो हम निकालते हैं और 2 से 3 मिनट जो है वो सॉस बनने में लगेगी, तब तक हम ब्रेक ले सकते हैं। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं विंग्स यहाँ फ्राई हो गए हैं, जो बाकी बचे वो हम निकाल रहे हैं, सॉस भी रेडी हो रही है। 2 से 3 मिनट है, तब तक आप लोग जाएं और जल्दी जल्दी से रेसिपी कार्ड नोट कर लें। चिकन हनी विंग्स, चिकन विंग्स 1 किलो, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, फूड कलर 1/4 चाय का चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सिरका 2 खाने के चम्मच, अंडे 2 अदद, मैदा 3 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चम्मच, तेल 1/2 लीटर, सॉस बनाने के अज्जा तेल 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, केचप 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, लेमन जूस 1 खाने का चम्मच, हनी 3 खाने के चम्मच, तिल 1 खाने का चम्मच। तरकीब, तमाम अज्जा को मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर 1/2 लीटर तेल में फ्राई कर लें। सॉस के तमाम अज्जा को 2 से 3 मिनट तक पकाएं और फिर फ्राई किए हुए विंग्स में शामिल कर लें और तिल से सजा लें। मजेदार चिकन हनी विंग्स तैयार हैं। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड का रिव्यू आप लोगों ने कर लिया होगा और जो चीज़ आप लोगों से मिस हो गई होगी यकीनन इस बार आपने वो भी नोट डाउन कर ली होगी। रेसिपी कार्ड पर जाने से पहले हम सॉस तैयार कर रहे थे जी, तहमीना जी बताएं कि सॉस कहाँ तक पहुँची, हो गई है तैयार? तैयार हो गई है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है। ठीक है, जो बिरयानी वाला कलर होता है। ओके, 2 से 3 मिनट में सॉस रेडी हो जाती है? रेडी हो जाती है। ठीक है, फूड कलर आपने इसमें ऐड कर लिया है? ऐड कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर डालेंगे वाइट तिल। ओके, वाइट तिल ऐड करेंगे, इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब सॉस को क्या करेंगे? अब जो चिकन हमने फ्राई किया है ना, ओके, वो सारी इसके अंदर टॉस कर देंगे। ठीक है, विंग्स जो हमने फ्राई किए थे वो हमने इसी सॉस के अंदर उसको ऐड कर लेना है और थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि दोनों का अच्छी सी कोटिंग हो जाए, कोटिंग भी हो जाए और फ्लेवर भी आ जाए, सॉस का फ्लेवर विंग्स में आ जाए।
बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, देखने में भी इतने मज़े के लग रहे हैं, खाने में और लजीज होंगे। ट्राई करते हैं और आई एम श्योर आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जब घर पे कोई अचानक से आ जाए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इसको आप बआसानी घर में बना सकते हैं। देखें इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल वही है जो हमारे घर में नॉर्मली मौजूद होते हैं हर वक्त, तो कोई मसले की बात नहीं है। झटपट सी ये रेसिपी है, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। कितनी देर है इसको? चले जी तैयार हो गए, अब इसका चूल्हा मैं बंद करने जा रही हूँ। ठीक है, अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट कर लेते हैं, डिश दे दूँ मैं आपको? आप डिश दे दे। ओके, अब इसका चूल्हा कर देते हैं बंद, इसको मैं हटा लेती हूँ। ये डिश ले लें आप ताकि आसानी से इसको डिश आउट कर लें। सफाई साथ साथ बहुत ज़रूरी है, तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। कलर देख सकते हैं कितना मज़े का कलर आया इसके ऊपर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अट्रैक्टिव कलर है, खुशबू भी इतनी अट्रैक्टिव है। और कहा जाता है ना कि खाने की खुशबू और लुक्स ऐसी होनी चाहिए कि आपको भूख ना भी लग रही हो ना, तो कहीं ना कहीं दिल कह दे कि बस थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। हो गया? हाँ हो गया, डिश आउट मैंने कर दिया है। ये मैं वहाँ रख दूँ? ठीक है, अब इसकी मैं डिश को थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको अपनी जगह पे रख देती हूँ ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सकें कि क्या इसका कलर आया है। इसकी गार्निशिंग के लिए क्या करेंगे आप? अब इसके अंदर डालेंगे ऊपर थोड़े से, क्या डाल लें? वाइट तिल डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से। ओके, वाइट तिल डालेंगे ऊपर से ताकि और ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा हो जाए। ठीक है, देख सकते हैं नाज़रीन इतनी मज़े की ये जो रेसिपी इन्होंने बताई है। वैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, विंग्स ट्राई करते हैं, तो वही रेस्टोरेंट वाला जायका आप अपने घर में कैसे ला सकते हैं। हमारे शो में आपको ऐसी ही रेसिपीज़ मिलेंगी कि रेस्टोरेंट वाला जायका जो है वो बआसानी अपने घर में ला सकते हैं। तो तैयार हो गए हैं? जी तैयार हो गए जी, डिश आउट कर दिए जी। नाज़रीन तो देख सकते हैं आप चिकन हनी विंग्स तैयार हैं, और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। तहमीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ पर आप लेके आए, आप लोगों का दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लगा, आपके साथ ही मुझे रह के ना बड़ा मज़ा आया है। बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे शो में आए, इतनी मज़े की रेसिपी आपने बताई। और फिर अगर मौका मिला हमें तो हम आपको फिर दोबारा से इनवाइट करेंगे ताकि कोई और अच्छी सी रेसिपी जिसकी आपके घर में बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर कर सकें। जी जनाब, तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगले प्रोग्राम में नए शेफ़ के साथ, नई रेसिपी के साथ हम दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और रिवायतों की लज्जत देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।